स्थाई भवन में आखिरी रात है। बहुत आनंद से आएगा शाम के, जब भोग वोग लग जाएगा, सैंड के कार्य प्रारंभ होगा, तो सैंड के कार्य जो है वो नए मंदिर में जाके सैंड करेंगे। तो शाम 8 बजे के बाद रामलला को इस अस्थाई मंदिर से उठा करके और वहाँ स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर भव्य मंदिर का गर्भगृह बना हुआ है, और उसके बाद उनकी अनुसाइन कर दिया जाएगा और सवेरे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद दोनों के साथ साथ यह पूजा होगी, और उसके बाद में उनके सबके अलंकार जो है पहनाया जाएगा नई मूर्ति का, और उनकी पट्टी खुलेगी, शीशा दिखाया जाएगा, और उसके बाद में बस याद धारण कराए, बस मुकुट धारण कराएंगे तो उनके भोग लगाया जाएगा, और उसी साथ यह दोनों मूर्ति का भोग लगेगा। अभी ये तय नहीं है, वैसे हमारे 4 पुजारी हैं और उनके जो सहायक ट्रेनिंग कर रहे हैं वो पुजारी रहेंगे। अब हो सकता है जैसे पहले वहाँ से लाने में मुख्यमंत्री जी थे, अब की इसमें किसको कर रहे हैं ये टच को मालूम होगा, लेकिन यह है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा जो रामलला को लेकर के यहाँ से वहाँ जाएगा। नहीं कोई ऐसा है, ऐसा प्लान नहीं है, तो हम लेकर के जाएंगे, हमारे 4 पुजारी हैं, जो सहायक पुजारी हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सब लेकर जाएंगे।